हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास 7। टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 3, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग इट मीन्स डेटा हैंडलिंग, डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करना। डेटा क्या होते हैं सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटा क्या होता है? रॉ मटेरियल। इट मीन्स जो हमारे पास फैक्ट्स होते हैं कोई भी, उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट करना डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, टू पिक्चर हमारे पास है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब टू पिक्चर क्या पड़ी, जो हमारे पास फर्स्ट पिक्चर में नंबर्स गिवन है 3, 19, 1, 15, 2, 18, लेकिन इससे क्लियर नहीं हो पा रहा कि गिवन नंबर्स कैसे आ रहे हैं, मतलब नंबर है क्या है। लेकिन सेकंड पिक्चर में वही गिवन नंबर हम प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोल नंबर एंड मार्क्स के कॉलम वाइज बनाकर। रोल नंबर 1, 2, 3, इट मीन्स ये तो रोल नंबर हो गए, और इसके जो गिवन मार्क्स है, 1 रोल नंबर के मार्क्स हमारे पास 15, 2 रोल नंबर के मार्क्स 18 एंड 3 रोल नंबर के मार्क्स 19। तो क्लियर कौन से पिक्चर से ज़्यादा हो रहा है? सेकंड पिक्चर से। फर्स्ट पिक्चर से हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये मार्क्स है या किसी वो नॉर्मली कोई अदर एग्जाम्पल्स है हमारे पास, लेकिन सेकेंड पिक्चर से टोटली क्लियर हो रहा है कि जो गिवन हमारे पास नंबर्स है वो फर्स्ट कॉलम हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है रोल नंबर को, सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स को, और वेल मतलब हमने रिप्रेजेंट करके इसको समझाया पिक्चर में। तो डेटा हैंडलिंग यही कंसेप्ट हमारे पास, जो डेटा होता है, जो फैक्ट होते हैं, वो नंबर्स में हमारे पास गिवन होते हैं और उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करना, इट मीन्स वेल मैनर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना डेटा हैंडलिंग कहलाते हैं हमारे पास। इसमें अब देखिए डिफरेंट टाइप के हम रिप्रेजेंटेशन आगे डिस्कस करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, टेबुलेशन मेथड जो भी है एक्सेट्रा, ठीक है, उसके बारे में। लेकिन आपको क्लियर हो गया ना, डेटा क्या होता है? फैक्ट होता है, नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो उसको डेटा हैंडलिंग में क्या आता है, गिवन डेटा को वेल मैनर फॉर्म में अच्छे से वे में रिप्रेजेंट करके समझाना ही डेटा हैंडलिंग। अब इसके अंदर देखिए, डेटा के अंदर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर हमारे पास डेटा टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, फर्स्ट हमारे पास है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड हमारे पास सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होगा? जो इंडिविजुअली, जो जैसे प्राइमरी डेटा, जैसे हमें कोई डेटा कलेक्ट करना है तो इट्स सेल्फ, मतलब इट इज कलेक्टेड बाय इट्स सेल्फ, खुद के द्वारा ही हम कलेक्ट करें। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो दूसरे के द्वारा कलेक्ट किया जाए, मतलब डायरेक्ट आपके द्वारा नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उसके मतलब कलेक्ट किया, तो वो कौन सा डेटा होगा? सेकेंडरी डेटा। अब जैसे इनके एग्जांपल, जैसे प्राइमरी डेटा में कलेक्टेड बाय इटसेल्फ, तो इसके एग्जांपल होगा, जैसे मान लो किसी इंफॉर्मेशन, किसी स्कूल से किसी बच्चे की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें वहाँ पर खुद ही जाना पड़ेगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। सेकेंडरी डेटा में जैसे ये इट इज कलेक्टेड बाय अदर यूजर्स, देन इसका एग्जाम्पल में हम कैसे डिस्कस करेंगे, जैसे इंडिया के अंदर कोई हमारे पास गवर्नमेंट जो डिसीजन लेता है उसको पब्लिश कराना है, तो ये सेकेंडरी डेटा के अंदर आएगा, क्योंकि ये इट इज कलेक्टेड बाय अदर यूजर। एंड प्राइमरी डेटा इट इज कलेक्टेड बाय इटसेल्फ एंड इट इज कलेक्टेड बाय अदर यूजर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप हमारे पास है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, सेकंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में हम टेबल बना के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ग्राफ बनाकर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास जो गिवन डेटा होगा टेबल के अकॉर्डिंग, उसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेंज, डेटा की रेंज। रेंज क्या होती है? जो हाईएस्ट डेटा होता है हमारे पास, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इट इज कॉल्ड रेंज ऑफ गिवन डेटा। हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर में से अगर आप लोएस्ट नंबर माइनस कर दो तो आएगी हमारे पास रेंज ऑफ डेटा। इसके बाद आती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास क्या है, जो गिवन डेटा है, जैसे मान लो डेटा के अंदर नंबर्स होते हैं, और नंबर हमारे पास कई बार जो गिवन नंबर है वो 2 times 3 times रिपीट होते हैं, तो जो जैसे 2 times है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, 3 times है तो वो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो गिवन डेटा के अंदर जो नंबर होते हैं, जितने मतलब जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं, तो वही उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी।